नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। खबर यूपी के चंदौली जिले से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के NH2 पर जयरामपुर गांव के समीप ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PM हाउस भेज दिया। बताते चले कि सदर कोतवाली क्षेत्र का यह इस्पात दुर्घटना जून बनता जा रहा है, जिस पर लगातार 2-3 दिनों से ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटती जा रही है, जिसमें कल एक बाइक पर 3 सवार सहराया निवासी ट्रक के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उनका इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। आज वाराणसी निवासी, जो कि रामनगर में किसी कंपनी में काम करने के बाद विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिहार जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक के चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके कारण वाराणसी से बिहार जाने वाली रूट लगभग आधे घंटे तक जाम रही। वहीं पीछे से आ रहे उनके साथियों ने बताया कि बाइक पर सवार एक मनोज नाम का लड़का है, शेष का नाम अज्ञात है। ग्रामीण द्वारा पुलिस की सूचना देने पर मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई। देखिए चंदौली से गोविंद प्रजापति की रिपोर्ट। अरे पब्लिक का भी पकड़ लो यार, पब्लिक के पकड़ लो। अंदर एक आदमी घुस जाओ, अंदर अंदर घुस रहा है एक आदमी, आगे बैठा आगे, और आओ और आराम से करो, और पीछे करो, आराम से रख लो। ए वो गाड़ी घुमाओ, चलो बताए बताए पुलिस ना। ट्रक वाला मारा निकल गया। ये जो घटना 3 लोगों की डेथ हुई है, ये लोग कहाँ से आ रहे थे? काम पे छोड़े बारात करने जा रहे थे। बारात करने, क्या नाम है इन लोगों का? एक का नाम मनोज है, एक जगह का नाम ना जा रहे थे। अच्छा, आप अपने भतीजा को जान रहे हो? बिहार से, बिहार जा रहे थे बारात करने। कैसे एक्सीडेंट हुआ है कुछ पता चला? सर हम लोग बाइक से, अपने 2 बाइक से रहे थे ना। अच्छा, वो लोग आगे थे, तुम लोग पीछे थे। हाँ,